नमस्कार साथियों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डी है गुरु जी पर तो साथियों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे इसका जो फॉर्म है आ चुका है इसका आप लोग ऑनलाइन जो आवेदन आप लोग आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो आज के इस विषय में इस बारे में जो मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के बाहर आपको जो है जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं भैया सीटेड की अगर हम बात करते हैं भाई यहां पर इसका जो फॉर्म है ठीक है यहां पर स्टार्ट हो रहा है आज से तीन ग्यारह तीन नवंबर से आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका तेईस नवंबर तक भरने वाला है यानी कि आपके पास ज्यादा रिंग का टाइम नहीं है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसको आप जितनी जल्दी से जल्दी भर देंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि यहां पर सेंटर जो है पहले आओ पहले पाओ वाला सीन होता है तो इसलिए जितना जल्दी आप फॉर्म को भर देंगे उतना आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा ठीक है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पर तेईस ग्यारह जो है दिया है मैं आपको बताया यहाँ पर लास्ट डेट फॉर जो दिया गया है फीस के लिए ठीक है तेईस ग्यारह यानी कि तेईस नवंबर ही आपका लास्ट डेट है फीस भरने के लिए भी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपका यहां पर दे दिया है इक्कीस जनवरी दो में यानी कि नवंबर तो आपका स्टार्ट हो गया है दिसंबर जनवरी दो महीने आपके पास टाइम है तो आपको यहां पर जो है देखने को मिल जाएगा कि भैया इसका पेपर जो कब होगा इक्कीस जनवरी को इसका जो है पेपर होने वाला है तो ये बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल बताने का प्रयास करूँगा कि जो जो चीज़ें आपके यहाँ पर जो है जानने वाली चीज है ठीक है जो जो चीज़ें मैं आपको सिलेबस बताया था वो पहले बात करते हैं पहले यहाँ पर जो है बात कर लेते भैया एलिजिबिलिटी के बारे में ठीक है एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था इसमें जो डी वाले हैं पेपर वन पेपर टू दोनों में बैठ सकते हैं और जो बी वाले हैं वो पेपर टू में बैठ सकते हैं ठीक है पेपर टू यानी कि अपर प्राइमरी वाले में बैठ सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले फर्स्ट ईयर वाले हैं अगर आप डी में या बी में फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में बैठ मतलब एडमिशन ले लिया आपने ठीक है आपका सत्र स्टार्ट हो गया है मतलब आपने एडमिशन फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हो चुका है सत्र स्टार्ट हो गया है तो बिल्कुल आप लोग जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं ठीक है एक तो ये एलिजिबिलिटी हो गया इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जैसे यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे और जो चीज़ें हैं सब कुछ बात करेंगे कैसे ऑनलाइन भरना है उन सब के बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये एक पी है ठीक है एक पूरा ब्राउचर है इन्फॉर्मेशन पी है इस पी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दे रखा है तो वहाँ पर जाकर के पूरा पी डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे पी में आपको ए टू जेड हर चीज़ें जो है दी गई हैं अगर मैं यहाँ पर मैं मुझसे कुछ छूट जाता है तो वहाँ पर फोटो कैसे अपलोड करनी है फ़ोटो भर डालते वक्त कोई गलती ना हो फोटो किस तरीके का चाहिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस के बारे में देखिए यहाँ पर फीस एक हो दिया गया आपका साफ साफ जनरल ओबीसी के लिए अगर आप सिर्फ किसी एक पेपर के लिए भरते हो तो आपका एक हजार लगेगा और दोनों एक साथ भरते हो तो आपका बारह सौ लगने वाला है इसी प्रकार आपका जो आपके एस सी एस टी या जो आपके ए, क्या बोलते है आप, ए, हैं यहाँ पर नॉट एबल्ड पर्सन बी एच हैंडीकैप्ड है उनके लिए पाँच सौ और छह सौ रुपये आपका लग रहा है ये आपका फीस है अगर कोई एक पेपर के लिए करता है एक हज़ार और दोनों एक साथ भरते हो तो आपका बारह सौ रुपया लग रहा है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर यहाँ पर किसके बारे भैया यहाँ पर सिंपली जो है सीधे हम लोग आते देखो एक यहाँ पर दिया गया ये यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट में सब कुछ दिया गया कि आपका सिलेबस क्या है कैसे क्या है अगर आपको जानना है तो सिलेबस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे डिटेल में ठीक है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तैयारी भी आपको यहाँ पर जो है ए टू जेड जो है करवाई जाएगी ठीक है तैयारी आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा ये है आपका सिलेबस सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए भैया आपको पहले इन शॉर्ट बताता हूँ सिलेबस क्या होता है पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है ये पीडीएफ एफ में आपको दे दूंगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा आप देख लीजिएगा उसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर वन के लिए पेपर वन के लिए जो क्लास एक से पांच तक यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होता है उसके लिए होता है तीस क्वेश्चन के आपके पांच जो आपके सब्जेक्ट आते हैं और एक सब्जेक्ट का तीस क्वेश्चन होता है टोटल टो टो आपके डेढ़ सौ क्वेश्चन आपके आते हैं कितने एक सौ पचास क्वेश्चन आते हैं तीस क्वेश्चन आपका आता है किससे भैया प्रश्न आपका आता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोगॉजी से तीस प्रश्न आते हैं यहां पर उसके जो है सिलेबस आप सभी को देखने को मिल रहा होगा ये उसके सिलेबस दिए गए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग ऐसे करके यहाँ पर जो है पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है कि सी डी में जो आपका सी है वहां से कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए और क्या आता भाई पेडोगॉजी के अलावा आपका क्या आता है पेडोगॉजी के अलावा यहाँ पर एक आता है लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज दो लैंग्वेज आते हैं ठीक है अब यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान समझिएगा लैंग्वेज आपके हिंदी सॉरी ये लैंग्वेज वन जो आपका एक कंपल्सरी होता है हिंदी होता ही होता है एक लैंग्वेज हिंदी तो आपका होता ही होता है ठीक है यहाँ पर देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है ठीक है एक लैंग्वेज आपका होता है हिंदी होता ही होता है और जो सेकंड लैंग्वेज दो लैंग्वेज आते हैं एक लैंग्वेज हिंदी तीस क्वेश्चन वहां से आते हैं उसका यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो सेकंड सिलेबस होता है सेकंड सिलेबस जो आपका होता है लैंग्वेज टू की अगर हम बात करते हैं वहां पर भी आपको संस्कृत में से और इंग्लिश में से ऑप्शन मिलता है चूज करने का आप संस्कृत ले लो या तो आप इंग्लिश ले लो दोनों में से कोई एक कर सकते हो तो लैंग्वेज वन आपको हिंदी कंपलसरी आपको देना ही देना है लैंग्वेज टू आपका संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करना होता है तो आपका सी हो गया लैंग्वेज वन हो गया जो फिक्स है लैंग्वेज टू जो हो गया वो भी आपका दोनों में से कोई एक ले सकते हो तो तीस तीस साठ तीस नब्बे क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए अब बात करते हैं भैया उसके बाद आपका उसके बाद आता है मैथमेटिक्स ठीक है मैथ से भी आपके कितने आते हैं भैया आपके तीस क्वेश्चन आते हैं ठीक है तीस क्वेश्चन आते हैं और माइनस मार्किंग कोई नहीं है जानने रहिएगा तीस क्वेश्चन आते हैं उसके यहाँ पर सिलेबस दिए गए ज्योमेट्री हो गया सेप एंडियल अंडरस्टैंडिंग हो गया सॉलिड राउंडर्स हो गया नंबर्स हो गया एडिशन सब्स्रक्शन ये सब चीजें हो गई तो ये सब आपका यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये आपके मैथमेटिक्स से आते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या था भैया और यहाँ पर आता भैया देखिए पेडो पेडोलॉजिकल इशू ये तो आपका मैथ में ही हो गया इसके बाद लास्ट आता है आपका ईवीएस क्या था भाई आपका EVS आता है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंट से आपका जो क्वेश्चन आता है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपका आता है यहां से आपके तीस क्वेश्चन आते हैं तो टोटल आपके पांच सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए एक पेड़ागोजी, एक लैंग्वेज वन एक लैंग्वेज टू एक मिनट नोटरजय भाई क्या ही हो रहा है एक लैंग्वेज वन एक लैंग्वेज टू हो गया लैंग्वेज वन मैंने आपको बता दिया हिंदी फिक्स है लैंग्वेज टू में इंग्लिश या संस्कृत में से ले सकते हो लैंग्वेज उसके बाद आपका मैथ आता है फिर ई आता है टोटल आपके पांच सब्जेक्ट आपके यहाँ पर बनते हैं ठीक है अब यहाँ पर ई में आपको वही सब चीज़ें देखो ई में बहुत कुछ इन्वायरमेंट पर्यावर से होता है जीके जी से भी थोड़ा बहुत रहता है ठीक है मिक्स क्वेश्चन होते हैं और सब में पैडागॉजी का पोर्सन ज़्यादा होता है ये मान चलिएगा सब में जो है पेडागॉजी का पोर्सन ज़्यादा होता है यानी कि आपके जो ज, 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 पेडागोजी होती है वो यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ये तो पेपर वन का हो गया इसी प्रकार पेपर टू की अगर हम बात करते हैं तो पेपर टू जो आपका होता है मैं आपको बता रहा हूं भाई पेपर टू जो होता है वो साइंस साइड वालों के लिए अलग होता है आर्ट साइड वालों के लिए थोड़ा सा अलग होता है यहां पर आप देख लीजिएगा पेडागोजी उसमें भी आपका आता है भैया पेपर टू में देखो भैया यहां पर उसमें भी डेढ़ ही क्वेश्चन होते हैं डेढ़ ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंस है पेडागोजी के तीस प्रश्न आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका होता है सी उसके जो पेडागोजी के तीस क्वेश्चन आते हैं इसी ये पूरा जो डिटेल वाला सिलेबस है ये मैं आपको दे दूंगा आप लोग जाकर के डाउनलोड करके एक एक चीज यहां पर देख सकते हैं पर मैं आपको बता रहा ठीक है पेडागोजी के अलावा साथियों आपका आपका लैंग्वेज लैंग्वेज आता है है ठीक हो गया इंग्लिश या हिंदी हो गया आपका आपका फिक्स और आपका एक लैंग्वेज आता है जो कौन सा भैया सेकंड लैंग्वेज आता है दूसरा लैंग्वेज वही फिर आपको इंग्लिश या संस्कृत में से एक लेना है तो यहां तक तो फिक्स है पेडागोजी दो लैंग्वेज हो गए तो दो यहां पर हो गए मतलब नब्बे क्वेश्चन फिक्स हो गए लेकिन इसके अलावा जो है साठ प्रश्न आता है देखो साइंस साइड वालों के लिए मैथ एंड साइंस ठीक है साइंस साइड यहां पर देखिए मैथ एंड साइंस आता है मिला करके मैथ और साइंस के मिला करके साठ प्रश्न आते हैं ठीक है तीस क्वेश्चन और बीस क्वेश्चन देखिए यहां पर तीस क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और बीस क्वेश्चन दिया गया टोटल आपके यहां पर मैथ और साइंस के आपके टोटल साठ प्रश्न आते हैं ये चीज याद रखिएगा

ती, तीस तीस साठ तीस नब्बे क्वेश्चन फिक्स है साठ क्वेश्चन आपका अलग होता है साइंस वालों का अलग होता है और आर्ट साइड वालों का जो आपका अलग होता है ठीक है तो ये हो गया भैया आपके सिलेबस ठीक है ये आपका सिलेबस हो गया और भैया मैंने क्या डाला था उसमें भैया और क्या आपको जाना है फॉर्म कहाँ से भरना है कैसे भरना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है भाई उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है उनकी ऑफिशियल टाइट सी टेट डॉट एन आई सी डॉट इन तो उनके पहले ही पेज पे जाओगे तो पहले पेज पे आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट देखो पहले पेज मिल जाएगा अप्लाई फॉर सी जनवरी 2024 ठीक है आपको क्या करना भैया यहां पे आपको क्लिक करना है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा ये वाला ठीक है ये वाला पेज खुल के आ जाएगा इस वाले पेज पे जो आपको सारी जो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है इस वाले पेज पे आपको सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी यहां पर अपना कर सकते हो या फॉर्वर्ड कर सकते हो या अगर एकदम नए हो तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके न्यू वाला जो है पूरा आप लोग भर सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो अगला वीडियो आएगा फॉर्म कैसे भरना है और इसके प्रीवियस प्रीवियसर क्वेश्चन और जो चीजें लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो क्वेश्चन अब यहाँ पर देखो लास्ट ईयर एक ही पेपर हुआ था वो पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है और ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगे तो चैनल पर जुड़े रहो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मिलेगा तो टेलीग्राम पर जाकर अभी ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको वो पीडीएफ मिल जाए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो सब लोग जाकर के पहले बात तो टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन हो जाएगा ठीक है तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे बट आपके जो भी डाउट हो नीचे कॉमेंट करके पूछो और आगे जो भी आप लोग चाहते हो जो भी चाहते हो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और इसकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर जो है देखने को मिलने वाली है तो इसको अगर देखना चाहते हैं क्लासेस तो यूट्यूब पर जुड़े रहिए धन्यवाद